नमस्कार कुकिंग विद सुभाष कपूर में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं भिंडी ग्रेवी वाली। इसके लिए मैंने साफ़ सुथरी भिंडी ली है, थोड़ी सी धोधा के बढ़िया से आगे पीछे से इसको काट लिया है दोनों तरफ से। अब इसके मोटे मोटे पीस काट लेंगे। एक पैन में मैंने तेल गर्म किया एक कड़छी के लगभग सरसों का, इसमें डाल देंगे ये भिंडी और इसको मीडियम आँच पर 2 मिनट तक लगातार चलाते हुए भूनना है, इसको फ्राई करना है ताकि ये पक जाएँ। ये देखिए भिंडी हमारी बिल्कुल पक चुकी है, एकदम ताज़ी भिंडी थी तो जल्दी पक गई है ये। इसको निकालेंगे साइड पे। अब मैंने एक बाउल दही का लिया है, इसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर और इसको मिक्स करेंगे अच्छे से, इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। एक पैन में मैंने 2 चम्मच तेल के लिए सरसों तेल, थोड़े से हींग डाल दिए पिंच भर, आधा चम्मच अजवाइन, आधा चम्मच जीरा डाल दिया और इसको 1 बारीक प्याज कटा हुआ मिला लिया इसमें। इसको मिक्स करेंगे अच्छे से, भुनेंगे लगातार चलाते हुए। थोड़ा सा अदरक लहसुन 1 चम्मच के लगभग मैंने कद्दूकस कर लिया था, ये मिला लिया। अब इसको थोड़ा लाइट ब्राउन करेंगे, ज़्यादा नहीं भूनना है। ये डाल दी मैंने थोड़ा सा करी पत्ता और 3-4 हरी मिर्चें लंबी लंबी काट के। प्याज हमारा लाइट ब्राउन हो चुका था, इसमें मैंने मिला दिया वो पेस्ट दही और मसालों को जो बनाया था, इसको लगातार चलाते हुए ताकि ये दही फट ना जाए, लगातार चलाना है। एक उबाल आने के बाद इसमें 1 कप पानी डाल देंगे, इसको भी उबालेंगे। एक बॉयल आएगा, नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार। बॉयल आने के बाद इसमें भिंडी मिला देंगे, 1 मिनट तक और पकाएंगे। ये देखिए दोस्तों भिंडी हमारी ग्रेवी वाली बन के रेडी हो चुकी है। इसको परांठे चावल के साथ, किसी रोटी के साथ, किसी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी मेरी वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।